हम बात कर रहे हैं अपने लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट एथिकल लीडरशिप के ऊपर, और अब इस लेक्चर के अंदर ये बात करेंगे कि हमारे जो एथिकल लीडरशिप है उसकी मेजर डायमेंशन कौन कौन सी हैं, उनके ऊपर जब हम डिस्कशन करेंगे। ओके जी, अब हम इसके अंदर जो फर्दर डिस्कशन करेंगे लीडरशिप इन प्रैक्टिस, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि इन प्रैक्टिस जब हम बात करते हैं लीडरशिप की, तो कौन कौन से ऐसे एक्शन हैं, कौन कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी बेस पे हम ये देख सकते हैं कि ये एक एथिकल लीडर है या अनएथिकल लीडर है। क्योंकि जो हमने एग्जाम्पल की बात की वो तो वेल नोन एग्जाम्पल्स हैं, और वो और जैसे अकील साहब भी कहते हैं वो हिस्ट्री में बता देते कि ये एथिकल लीडर थे या अनएथिकल लीडर थे। लेकिन अगर हम करंटली किसी को देखना चाहें, हम ऑर्गेनाइजेशन में किसी मैनेजर को देखना चाहें या चीज़ें देखना चाहें कि ये अच्छा लीडर है या एथिकल लीडर है या अनएथिकल लीडर है, तो हम कैसे इन चीज़ों को जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं। सो लीडरशिप एथिक्स इज ए कम्प्लेक्स फेनोमेना विद मल्टीपल पार्ट्स दैट ओवरलैप एंड इंटरकनेक्टेड। तो इसके जो एथिकल लीडरशिप इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो ओवरलैपिंग है और इंटरकनेक्टेड हैं। So when trying to practice ethical leadership, there are six factors that should be of special importance to leaders. So six points हैं इसके अंदर identify किए गए जो कि leaders के लिए जो है वो बहुत important है। These are the six characteristics of ethical leadership. The first one is the character of the leader. सबसे पहले ये है कि जो leader है उसका character क्या है। जैसे मैं बात करता हूँ it should be a moral person, तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको ये देखना होगा कि जो है वो आपके पास एथिकल लीडरशिप जो है वो क्या होती है। उसके अंदर जो लीडर का करैक्टर है सबसे पहले, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देन द सेकंड वन द एक्शंस ऑफ द लीडर, कि वो लीडर जो एक्शंस कर रहा होता है वो उसका सेकंड पार्ट होगा। देन द गोल्स ऑफ द लीडर, उस लीडर के गोल्स क्या हैं, जो भी हमने वो डिस्कस किया था कि लाइक अलकायदा जो है या आपके मंडेला की हमने बात की, अब्दुल तारीदी की बात की हमने, हमने हिटलर की बात की, तो उनके गोल्स क्या थे। तो आपके गोल्स कम्युनिटी ओरिएंटेड होने चाहिए, फॉर द वेलबींग ऑफ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। देन द ऑनेस्टी ऑफ द लीडर, उस लीडर की जो ऑनेस्टी है वो क्या है। देन द पावर ऑफ द लीडर, जो फिफ्थ एलिमेंट है वो लीडर की पावर है, कि उस लीडर के पास जो पावर्स हैं उनको कैसे यूज करता है। एंड देन द वैल्यूज ऑफ द लीडर, और उसके बाद उस लीडर की वैल्यूज हैं कि वो लीडर जो है वो किस चीज़ को वैल्यूज करता है, उसके नॉर्म्स क्या हैं। तो ये हमारे पास फैक्टर्स रिलेटेड टू एथिकल लीडरशिप हैं, जिसके हमने सिक्स फैक्टर्स की बात की कि एथिकल लीडरशिप में ये सिक्स फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, करेक्टर ऑफ द लीडर, एक्शंस ऑफ द लीडर, गोल्स ऑफ द लीडर, ऑनेस्टी ऑफ द लीडर, पावर ऑफ द लीडर एंड वैल्यूज ऑफ द लीडर। तो हम आज के लेक्चर में ये कोशिश करेंगे कि हम ये थ्री पॉइंट्स जो है करेक्टर, एक्शन एंड गोल, इनके ऊपर हम डिस्कशन कर सकें, और बाकी थी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीक में उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अगेन अब हमने इनको सिक्स पॉइंट में करे, द करेक्टर ऑफ द लीडर, एक्शन ऑफ द लीडर, गोल्स ऑफ द लीडर, ऑनेस्टी ऑफ द लीडर, पावर ऑफ द लीडर एंड द वैल्यूज ऑफ द लीडर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द करेक्टर ऑफ द लीडर, द करैक्टर ऑफ द लीडर इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एथिकल लीडरशिप। तो एथिकल लीडरशिप में जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो करैक्टर ऑफ द लीडर है। अगर लीडर का करैक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर लीडर का करैक्टर ठीक नहीं है, तो एथिकल लीडरशिप का सवाल ही पैदा नहीं होगा। सो व्हेन इट इज सेड दैट अ लीडर हैज अ स्ट्रॉन्ग करैक्टर, दैट लीडर इज सीन एज ए गुड एंड ऑनरेबल ह्यूमन बींग। जब हम किसी के बारे में ये कहते हैं कि जी इस लीडर का जो करैक्टर है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या होता है कि लोग उसको जो है वो एक अच्छा आदमी समझते हैं और ऑनरेबल समझते हैं। द लीडर्स करैक्टर रेफर्स टू द क्वालिटीज, डिस्पोजिशन एंड कोर वैल्यूज ऑफ द लीडर। तो लीडर का करैक्टर, उसकी जो लीडर की क्वालिटीज हैं, उसके जो एक्शन हैं, उसकी जो कोर वैल्यूज हैं लीडर को, उसको शो करता है। तो मोर देन 2000 years ago, Aristotle argued that a moral person demonstrates the virtues of courage, generosity, self-control, honesty, sociability, modesty, fairness, and justice.
आज से 2-10 साल पहले अरिस्टोटल ने कहा था कि जी जो आप एक मॉरल पर्सन होता है उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए, उसमें करेज होना चाहिए, जनरॉसिटी होनी चाहिए, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। जैसे भी हम बात करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको उसने कुछ कहा और आप फट पड़े और आपने बोल कुछ सुना दी चीज़ें। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, सोशबिलिटी होनी चाहिए, मॉडेस्ट होना चाहिए, एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए और उसके बाद जस्टिस होनी चाहिए। टुडे ऑल दीज क्वालिटीज स्टिल कंट्रीब्यूट टू अ स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर, और आज भी ये तमाम क्वालिटीज आपके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को जो है वो शो करती हैं। सो कैरेक्टर इज समथिंग दैट इज डेवलप्ड। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कैरेक्टर जो है जो आपका बाय बर्थ कैरेक्टर नहीं होता। कैरेक्टर जो होता है ये आपका डेवलप होता है ओवर टाइम, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस पड़ता है, जैसे जैसे आप इवॉल्व होते हैं आपका कैरेक्टर डिवेलप होता जाता है। आप यंग लीडर बने शायद आपका कैरेक्टर कुछ और होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस आपका कैरेक्टर चेंज होता रहेगा। इसको भी अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हम सबका कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज होता है। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम अपनी जॉब को स्टार्ट करते हैं तो कैरेक्टर कुछ और होता है, और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें हमारा कैरेक्टर डिवेलप होता जाता है। इन रिसेंट ईयर्स द नेशनल स्कूल्स हैव सीन अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन कैरेक्टर एजुकेशन। मिसबिहेवियर ऑफ पब्लिक फिगर्स has led to mistrust of public figures, which has led to the public demanding that educators do a better job of training children to be good citizens. So, जो हमने ऊपर examples बात की US community में भी और even हर जगह पे, तो वहाँ पे ये देखा गया कि जो आपकी public figures हैं उन वो जो भी उनके scandals आए, उनके जो misbehaviors आए, चाहे वो corruption के point of view से हो, वो सेक्शुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो फाइनेंशियल करप्शन हो, वो अकाउंटिंग स्कैंडल्स हो, जो भी इस उसके उन्होंने मिसबिहेवियर्स किए, उसके वजह से पब्लिक का ये डिमांड थी कि जो एजुकेटर्स हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको बच्चों को अच्छा शहरी बनाने के लिए, गुड सिटीजन बनाने के लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए। एज अ रिजल्ट मोस्ट स्कूल्स टूडे टीच करेक्टर एजुकेशन एज पार्ट ऑफ देयर नॉर्मल करिकुलम। तो यूरोप में, अमेरिका में, US में बहुत जो स्कूल हैं वो अपने नॉर्मल करिकुलम के साथ साथ जो है वो करेक्टर भी, करेक्टर एजुकेशन भी पढ़ाते हैं। अ मॉडल फॉर मैनी ऑफ दीज प्रोग्राम वाज डेवलप्ड बाय द जोसेफसन इंस्टीट्यूट 2008 इन कैलिफोर्निया, विच फ्रेम इंस्ट्रक्शन अराउंड द 6 डायमेंशन ऑफ करेक्टर। तो ज़्यादातर उसका जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो जोसेफसन इंस्टीट्यूट ने डिवेलप किया, जिसके 6 डायमेंशन है। ट्रस्टवर्थीनेस, respect, responsibility, fairness, caring and citizenship. तो ये ऑलमोस्ट वही 6 फैक्टर हैं जो हमने ऊपर बात की है। तो बेस्ड ऑन दीज रिजल्ट्स एंड सिमिलर करेक्टर डायमेंशन, स्कूल्स आर एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ करेक्टर एंड हाउ कोर वैल्यूज इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो अगर हम जब हम आज ये कहते हैं कि जी यूरोप, US वो हमसे एथिकली जो है वो आगे हैं, और एथिकली जो है वो हम बात करते हैं एक्शंस की, हम बात करते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट की, उसमें अगर वो आगे हैं तो क्योंकि वो स्कूल से जो है उनको एजुकेशन दी जा रही है, कैरेक्टर बिल्डिंग की एजुकेशन दी जा रही है, क्योंकि डेफिनेटली हमारे पास एशियन कंट्रीज में मिसिंग है। सो ऑल्दो कैरेक्टर इज क्लियरली एट द कोर ऑफ हु यू आर एज ए पर्सन, इट इज ऑल्सो समथिंग यू कैन लर्न टू स्ट्रेंथन एंड डेवलप। तो कैरेक्टर जो है वो बेशक एक जो कैरेक्टर है वो इस चीज़ से डिवेलप होता है कि आप एज ए पर्सन क्या हैं। आप जिस तरह के पर्सन होंगे उस तरह का आपका कैरेक्टर होगा। आप बहुत अच्छे आदमी हैं तो आपका कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग होगा, अगर आप अच्छे आदमी नहीं हैं तो आपका कैरेक्टर वीक होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लर्न कर सकते हैं, हम इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं या वीकर भी कर सकते हैं, और हम इसको डिवेलप भी कर सकते हैं। अ लीडर कैन लर्न गुड वैल्यूज, बीइंग ए लीडर हम अच्छी वैल्यूज को, बेटर वैल्यूज को लर्न कर सकते हैं। When practiced over time, from youth to adulthood, good values become habitual and a part of people themselves. तो अगर हमने एक younger age पे अगर हमारे पास कोई ऐसी qualities ethical नहीं थी और हमने उन ethical qualities को देखा, हमने उसको वक्त के साथ साथ practice करना शुरू किया, तो एक time आएगा जब आप adulthood में पहुँचेंगे तो वो आपकी personality का part बन चुकी होंगी। By telling a truth, people become truthful. तो अगर आप सच बोलते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता truthful बन जाएंगे। By giving to the people, poor people become charitable. जब आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू करते हैं तो आप charitable बनना शुरू हो जाते हैं।
एंड बाय बीइंग फेयर टू द अदर्स पीपल बिकम जस्ट। सो जब आप दूसरों के साथ फेयर होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप जस्ट बनना शुरू करते हैं। सो योर वर्चूज एंड हेंस योर करेक्टर आर डिराइव्ड फ्रॉम योर एक्शन। हमारा जो करेक्टर है वो हमारे एक्शन से निकलता है। हम जिस तरह के एक्शंस करते हैं उस तरह का हमारा करेक्टर बनता जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए लीडर विद स्ट्रॉन्ग करेक्टर इज नोबल पीस प्राइज विनर नेल्सन मंडेला, जिसकी हम बात कर रहे थे। मंडेला हैज अ डीप मॉरल मैन, वाज ए डीपली मॉरल मैन विद अ स्ट्रॉन्ग कॉन्शियंस। जैसे मंडेला की बात की, वो बहुत बड़े आदमी थे, स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस थी, मॉरल आदमी थे। एंड और जब वो साउथ अफ्रीका से इनजस्टिस को ख़त्म करना चाह रहे थे और वो जस्टिस की इक्वालिटी को लेके आना चाहते थे, तो वो प्रिजन में, जैसे मैंने पहले बताया, उनको ये पॉइंट दिया गया कि जी आपको फ्री कर दिया जाएगा अगर आप अपने स्टाफ को छोड़ दें। लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और इन एडिशन टू बीइंग डीपली कंसर्न फॉर अदर, तो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होने के साथ साथ मंडेला वाज ए करेजियस पेशेंट हम्बल एंड कंपैशनेट मैन। तो ये वो करेजियस भी थे, पेशेंट भी थे, हम्बल भी थे, कंपैशनेट भी थे। एंड ही वाज एन एथिकल लीडर हु आर्डेंटली बिलीव्ड इन द कॉमन गुड। और वो ऐसे आदमी थे जो कि एक सबकी बेहतरी को पे जो है वो बिलीव करते थे। तो मंडेला क्लियरली इलस्ट्रेट्स द करेक्टर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मॉरल लीडरशिप। मंडेला ने ये शो किया कि जो आपका करेक्टर है ये मॉरल लीडरशिप का बहुत कंपल्सरी पार्ट है। एंड करेक्टर इनेबल्स अ लीडर टू मेंटेन हिज और हर कोर एथिकल वैल्यूज इवन इन टाइम्स ऑफ इमेंस एडवर्सिटी। और जो करेक्टर होता है लीडर का, वो उसके पोजिशन में बताता है कि अपनी एथिकल वैल्यूज को आगे रखे इवन जब कंडीशन बहुत खराब भी हों। करेक्टर फॉर्म द सेंटर पीस ऑफ ए पर्सन वैल्यू एंड इज फंडामेंटल ऑफ एथिकल लीडरशिप। तो जो करेक्टर है वो आपका एक सेंटर पीस होता है एक पर्सन की वैल्यूज का, और ये एथिकल लीडरशिप का एक फंडामेंटल जो है वो प्रिंसिपल है। देन सेकेंड पॉइंट, हमने करेक्टर के बाद बात किया, हम बात करें एक्शन ऑफ द लीडर। सो इन एडिशन टू बींग अबाउट अ लीडर्स करेक्टर, एथिकल लीडरशिप इज अबाउट द एक्शंस ऑफ ए लीडर। तो करेक्टर के साथ साथ जो सेकंड पॉइंट इसमें आता है वो हमारे पास, वो एक्शन ऑफ द लीडर है कि लीडर जो है वो एक्शन जो है वो कौन कौन से लेता है। एक्शन रेफर्स टू द वेज अ लीडर अबाउट गोज अबाउट अकम्पलिशिंग गोल्स। अब एक्शन से मतलब क्या है कि लीडर के कुछ गोल्स हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए लीडर कौन से मेथड यूज करता है, लीडर कौन से वेज यूज करता है, लीडर्स की टेक्निक्स क्या हैं अपने गोल को अकम्पलिश करने के लिए, वो उसके एक्शंस कहलाएंगे। सो एथिकल लीडर यूज मोरल मीन्स टू अचीव देयर गोल। बेशक जो एथिकल लीडर्स होते हैं वो एथिकल वे यूज करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो मोरल मीन्स यूज करते हैं, ऐसी टेक्निक ऐसे मेथड यूज करते हैं जो मोरल होते हैं। द वे अ लीडर गोज अबाउट हिज और हर वर्क इज ए क्रिटिकल डिटरमिनेंट ऑफ वेदर ही और शी इज एन एथिकल लीडर। तो एक लीडर किस तरह से अपना काम करता है, वो किस तरह से अपने काम को लेके चलता है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि वो लीडर जो है वो एथिकल लीडर है या नहीं। वी मे ऑल बी फेमिलियर विद द मशवेलियन फ्रेज द एंड जस्टिफाई द मीन्स। तो ये एक मशवेलियन फ्रेज एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी द एंड जस्टिफाई द मीन्स, कि आपका जो गोल है जो एंड है वो आपके तरीके को जो है वो आपके मीन्स को मेथड को जस्टिफाई कर देता है। But an ethical leader keeps in mind a different version of this and turns it into a question. लेकिन ethical leader इसको ठीक नहीं समझता कि जी आपने अगर अपना goal achieve करना है तो उसके लिए कुछ भी जो है वो आप use कर लें। Ethical leader इसको ऐसा नहीं समझता। Ethical leader का question क्या था? Do the end justify the means? कि जो end है क्या वो means को justify करता है? कि जो आप end achieve करना चाहते हैं, जो तरीका आपने use किया क्या वो ठीक था? In other words, the actions a leader takes to accomplish a goal need to be ethical. So summary, in summarize hum form ye keh sakte hain ki jo leader jo action leta hai apne goal ko pura karne ke liye wo ethical hona chahiye. They cannot be justified by the necessity or importance of the leader's goal. Aisa nahi ki aapne galat tarika use kiya, unethical tarika use kiya aur aap ye kahein kyunki leader ka goal ye tha to usne ye tarika use kar liya, ye justification nahi hai. So ethical leadership involves usually using morally appropriate actions to achieve goals. So ethical leadership kya hai ki aap morally appropriate action use kare apne goals ko achieve karne ke liye.
अब हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं. टू इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल एक्शंस, कंसीडर व्हाट हैपेंड एट द अबू गरीब प्रिजन इन इराक इन 2004. बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज ऑफ 9/11, नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग बिकेम अ हाई प्रायोरिटी. रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरोगेशन वर एक्सपेंडेड एंड हार्श इंटरोगेशन मेथड वर अप्रूव्ड. अब ये वो जो हम बात कर रहे थे इराक की अबू गरीब जो जो प्रिजन है इराक में 2004 में, तो 9/11 के बाद यूएस ने डिफरेंट रूल्स रेगुलेशन पास ऑन किए जिसका मतलब ये था कि आप हार्ड मेथड यूज कर सकते हैं, आप टॉर्चर वगैरह यूज कर सकते हैं अपनी इंटरोगेशन के लिए ताकि आप इंफॉर्मेशन ले सकें, इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन ले सकें टेररिस्ट एक्टिविटीज के अगेंस्ट. अब उसको क्या किया गया, प्रॉब्लम्स एट द प्रिजन बिकेम इविडेंट when the media reported that prisoners were being sexually abused, humiliated and tortured by prison personnel and civilian contract employees. Gruesome photographs of demanding actions to prisoners appeared in the media and on the internet to obtain intelligence information. Some US army soldiers used means that violated military regulation and internationally held rules on the human treatment of prisoners of war established by the Geneva Convention in 1948. So, objective क्या था कि हमने information लेनी है. तो objective ठीक है कि आपने terrorist activities से जो आपने arrest किया लोगों को, आपने उनसे information लेनी है. लेकिन जो तरीका use किया गया, उनको जो sexually abuse किया गया, humiliate किया गया, torture किया गया, तो वो आपके तरीका जो है वो ठीक नहीं है, means जो है वो ठीक नहीं है. So, in the case of Abu Ghraib prison, the goal of maintaining national security and intelligence gathering was legitimate and worthwhile. So, the goal था, जो objective था, वो ठीक है. However, the means that were used were criminal. So, जो लेकिन तरीका use किया गया, वो itself criminal था. Many believed that the goal did not justify the means. तो हमें तो बहुत सारे लोग इस चीज को believe करते हैं कि जो goal होता है, वो means को justify नहीं करता. In everyday situation, a leader can act in many different ways to accomplish goals. Each of these actions has ethical implications. तो हमारी जो डेली लाइफ है इसमें लीडर के पास डिफरेंट वेज होते हैं जो वो यूज करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए और उसकी एथिकल इम्प्लीकेशन होती हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ लीडर रिवॉर्ड सम एम्प्लॉइज एंड नॉट अदर्स इट रेजेस क्वेश्चन ऑफ फेयरनेस. जब कोई लीडर कुछ एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड दे देता है कुछ को नहीं देता तो फेयरनेस का क्वेश्चन आता है. इफ अ लीडर फेल्स टू टेक इन टू कंसिडरेशन एन एम्प्लॉइज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम and instead demands that a job be completed on short notice, it raises question about the leader's compassion for others. अगर किसी employee के किसी time पे कोई तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके health issues हैं, और leader ये कहता है, manager ये कहता है कि ये task आपने इतनी देर में complete करना है, तो उसके compassion for others, दूसरों की careness के ऊपर जो उसके questions आते हैं. Even a simple task such as scheduling people's workload or continually giving more favorable assignments to one person over another reflects the ethics of the leader. Ya agar aap task scheduling aise karte hain ki jo aapke pasandida log hain unko aap unke scheduling workload ki behtar karte hain ya task un logo ko behtar dete hain jo aapke zyada pasandida log hain to aapka fairness ka jo hai usme issue aata hai, ethics ka aata hai. In reality almost everything a leader does has ethical overtones. तो इन रियल सेंस एक लीडर जो कुछ करता है जो कुछ भी उसके जो है वो एथिकल इफेक्ट्स होते हैं. सो गिविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ए लीडर्स एक्शंस, इसमें जो अब हमारे पास इसमें थ्री प्रिंसिपल्स को आपने हाईलाइट किया है कि एक लीडर का जो है वो एक्शंस किस तरीके से होने चाहिए. शोइंग रिस्पेक्ट, एक लीडर जो है उसके जो एक्शन है वो दूसरे लोगों के लिए रिस्पेक्ट को शो करे, हर बंदे को इक्वल रिस्पेक्ट दे, उसकी बात सुने, डिसरिस्पेक्ट ना करे किसी को भी. सर्विंग अदर, लोगों को सर्व करने पे यकीन करे, लोगों की बेटरमेंट के लिए जो है वो यकीन करे, लोगों को बेनिफिट्स के लिए जो है वो उसको जो है वो बिलीव करे. एंड शोइंग जस्टिस, और जस्टिस शो करें, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि किसी को आपने ज्यादा रिवार्ड दे दिया, किसी को कम दे दिया या नहीं दिया. किसी को आप ज्यादा फेवरेबल टास्क देते हैं, किसी को आप बहुत हार्ड टास्क दे देते हैं, किसी के ड्यूटी आवर्स आपने बड़े फ्लेक्सिबल रखे हुए हैं, किसी के ड्यूटी आवर्स आप बहुत हार्ड कर देते हैं. तो ये तीन पॉइंट होने चाहिए आपके एक्शन में. शोइंग रिस्पेक्ट, आप रिस्पेक्ट शो करें, सर्विंग अदर्स लोगों का ख्याल रखें, एंड देन शोइंग जस्टिस, और आप अपनी जस्टिस को शो करें, फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए सबके साथ.